नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में सीएम की साफ हुई तस्वीर, बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला, पुष्कर सिंह धामी के नाम पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ मतदान, महराजगंज से बीजेपी के रविकांत पटेल ने मारी बाजी, मैनपुरी में बीजेपी की अर्चना भदौरिया ने दर्ज कराई जीत। चंदौली में पूर्व सांसद पंचायत सदस्यों से मांग रहे मदद, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पूर्व सपा सांसद रामकिशन यादव का वीडियो। हरिद्वार में ज्वालापुर विधायक ने की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों को लेकर की गई समीक्षा, सड़क और नहर निर्माण को जल्द करेंगे पूरा। तो चलिए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। तो तमाम अनुमानों और आकलन को धता बताते हुए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर 45 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। आज 3 बजे देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक के दौरान सभी ने उनके नाम पर सहमति जताई। इस बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, डी पुरंदेश्वरी और उत्तराखंड के भाजपा के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और रेखा वर्मा भी मौजूद रही। पुष्कर सिंह धामी कल शाम 6 बजे मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर मची खलबली के बीच सभी पार्टियां बीजेपी को घेरने की तैयारी में लग गई हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, क्योंकि पिछले 2 महीनों के अंदर वो अपने मुख्यमंत्री को बदलने में ही लगे हैं, जबकि उनके पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा मौजूद नहीं है। उत्तराखंड का क्या विकास करेंगे जब उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। साथ ही दीपक बलूटिया ने कहा कि बीजेपी के पास कोई भी जब सक्षम चेहरा नहीं है तो वो फिर क्यों इस कवायद में जुटे हुए हैं। देखिए, भाजपा सरकार जो है मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है आज की तारीख में। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा सरकार को उत्तराखंड में एक भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है जो सही तरह से नेतृत्व कर सके उत्तराखंड का। प्रदेश बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोरोना काल से ग्रसित लोग जो हैं आज भी स्वास्थ्य की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके लिए त्रस्त हो चुके हैं, और भाजपा पूरी तरह विफल रही है एक कुशल नेतृत्व देने के लिए। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, खाद्य सामग्री के दाम बढ़े हैं। बजाय उत्तराखंड के विकास पर बात करने की बजाय पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बदलते रह गए। उत्तराखंड में राज्य की ओर से आंदोलनकारियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दिए जाने से खफा आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता दीपक पांडे के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर एकत्र होकर सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान आप पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक पांडे ने कहा कि आंदोलनकारियों ने राज्य के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी शहादत के बाद भी आंदोलनकारियों को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज भी कई आंदोलनकारियों को आरक्षण के तहत नौकरी नहीं दी जा रही है। कि आप देख रहे हैं कि अभी जो हाई कोर्ट का जो आदेश आया है जिसमें हमारे आंदोलनकारी साथी थे जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को बनाया है, आज उनको जो यहाँ सरकारी सेवाएं दी जाने की बात हुई थी आज उनको उसमें आरक्षण मिलना था, लेकिन आज तक 2011 से प्रकरण चल रहा है जिसमें आज हाई कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया है। इसका मेन कारण यह है कि जो बीजेपी सरकार है वो अपने इन तथ्यों को मजबूती से नहीं रख पाई, हमारे आंदोलनकारियों को न्याय नहीं दिला पा रही है, वो कल आम आदमी को क्या न्याय दिला पाएगी। जिन्होंने इस उत्तराखंड को बनाया, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को बेघर कराया, यहाँ पे इतने लोगों ने जिन्होंने मिलकर आज उत्तराखंड बनाया, जिन्होंने आज हमें सम्मान दिया उत्तराखंड बनाने का, और आज जो बीजेपी सरकार यहाँ बैठ के सही अपना चला रही है शासन, उनकी बदौलत आज ये उत्तराखंड वासियों को बिल्कुल भी ना सम्मान दे रहे हैं, ना उनकी सुन रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर मुकदमे कर रहे हैं। कोई भी हम लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलनकारियों के ऊपर आज ये लोग शोषण कर रहे हैं, इसलिए हम इन लोगों का पूर्ण विरोध कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। सिक्किम में शहीद हुए काशीपुर के लाल हिमांशु नेगी का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके आवास पर पहुंचा। सेना के जवान जब पार्थिव शरीर को लेकर उनके आवास पहुंचे तो वातावरण शोकाकुल हो गया। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 2 साल पहले 27 मार्च 2019 को हिमांशु कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। हिमांशु सिक्किम में सेना के वाहन से गंगटोक जाते समय वाहन के गहरी खाई में गिरने से शहीद हो गए थे। भाई तो वैसे घर का सब कुछ, मतलब सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता था। वो चाहते थे कि मैं भी आर्मी में आऊँ, पापा का ध्यान रख सकें, हम पापा को फ्री माइंड छोड़ सकें, फैमिली को मतलब हमेशा खुश रखना चाहता था। वो चाहते थे कि मैं भी आर्मी में हो जाऊँ, फिर पापा फ्री माइंड रहे। पापा ने बचपन से ही, मतलब हमारी वजह से ही पापा गाँव से यहाँ आ गए, वहाँ पर भी नहीं तो बहुत ज़मीन जायदाद थी, अपना रोजगार था पापा का वहाँ पर, फिर भी पापा बिना नौकरी के यहाँ पे हमें लेके आ गए थे।
हिमांशु 2019-27 मार्च को भर्ती हो गया था कुमाऊं रेजिमेंट में, और 2 साल 3 महीने हो गए थे उसको ड्यूटी पे। नेक्स्ट टाइम में भी छुट्टी काट के गया है 45 दिन की, 2 तारीख को निकला था घर से। बाकी कल ये समाचार मिला कि ऐसा ऐसा कि हिमांशु शहीद हो गया, हम उसको बचा नहीं पाए, सीओ साहब का फोन आया था। भाद्राबाद ब्लॉक के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर की तरफ से 2017 से श्याम प्रसाद मुखर्जी योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में कार्यों की गुणवत्ता के मापदंड पूरे नहीं किए गए हैं या नहीं, कितने कार्य अभी शेष बचे हैं आदि विषयों पर चर्चा की गई। 2017 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना हमारे यहाँ मेरी विधानसभा क्षेत्र में 3 गांवों में लागू हुई, जिसका शुभारंभ माननीय रमेश चंद पोखरियाल और मेरे और यतीश जी के द्वारा किया गया था बहादुरपुर जेट में। उस कार्य की हम समीक्षा कर रहे थे, कितने कार्य पूरे हो गए, कितने कार्य अवशेष हैं और कब तक वो पूरे हो जाएंगे, और गुणवत्ता का क्या मापदंड है, वो पूरा किया गया या नहीं किया गया, उसकी हमने समीक्षा की। आज CDO साहब नहीं आए, PD साहब बैठे हैं, इसकी जल्दी समीक्षा हम 10-15 दिन के बाद करेंगे ताकि CDO साहब आ जाएं। और काफ़ी हद तक काम हो गए, जो योजनाएं हमने लागू की हैं, जो अवशेष बची हम चाहते हैं उसको जल्दी जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां हुए बलिदान है मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, जिन्होंने ऐसा नारा दिया, अपनी प्राणों की आहुति दी उनके नाम पर, जो योजनाएं भारत सरकार ने चलाई है, हम चाहते हैं वो योजनाएं जल्दी जल्दी पूरी होकर नई योजनाएं हम अपने इस क्षेत्र के अंदर लाई जाएं। हरिद्वार में भगवानपुर निवासी हिंदू संप्रदाय के युवक ने मुस्लिम संप्रदाय की युवती से शादी करने के बाद पुलिस प्रशासन से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार अंकित पुत्र सुरेंद्र ने नजरीन से प्रेम प्रसंग के चलते आर्य समाज मंदिर में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली थी, जिसके चलते दोनों प्रेमी युगल को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। इसी के चलते हाई कोर्ट नैनीताल से दोनों ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। और मैंने एक बालिक लड़की से ही शादी करी है, जो कि वो भी अपना अच्छा समझ सकती है। हमने आर्य समाज से शादी करी, उसके बाद मैं नैनीताल हाईकोर्ट में प्रोडक्शन के लिए अपील किया, और अपील होने के बाद में 29/6/2021 को मैं प्रोडक्शन मिल भी गई। उसे हम थाने में जो है प्रोडक्शन मिलने के बाद थाने से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, पुलिस वालों से हमें प्रोडक्शन मिली है और उस प्रोडक्शन का हमें प्रशासन से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैंने अपनी इच्छा के अनुसार शादी करी है और अपने अंकित पति के साथ 20/10/2019 को शादी करी थी, धर्म परिवर्तन कर रहा था और फिर मैंने शादी करी थी अंकित के साथ। फिर उसके बाद हमें प्रोटेक्शन मिल गई थी, फिर भी उसके बाद पुलिस वालों ने मेरे और मेरे ससुराल वालों के लिए उसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, फिर भी पुलिस हमें ही परेशान कर रही है। हल्द्वानी रामनगर के पिरुमदारा में टैक्सी ड्राइवर की हुई हत्या। हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 3 आरोपियों में से 2 सहारनपुर और 1 हिमाचल का रहने वाला है। मामले का खुलासा करते हुए SSP प्रीति प्रियदर्शनी ने कहा कि 28 जून को चौकी पिरुमदारा में एक व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस ने मृतक की कॉल डिटेल खंगाली, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना रामनगर में पिरुमदारा एरिया में एक अज्ञात शव मिलता है, जिसका गला घूट करके हत्या की गई होती है। झाड़ियों में मिलता है ये शव और इसमें जो है शिनाख्त के लिए काफ़ी इसमें मशक्कत करनी पड़ी और इसके कॉलर पे जो टेलर का मार्क था स्टार डिज़ाइनर का, उसको कई जगह ढूंढा गया। फिर वो गूगल पे उसको हमने ढूंढा तो जहाँ जहाँ पे दिखाया गया वहाँ वहाँ के थानों में भी पूछा गया, तो ये नेहरू कॉलोनी में स्ट्राइक कर गया और वहाँ से एक व्यक्ति जो है एक शाम पहले ही वहाँ से निकला था और जिसका उसके फैमिली के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर इनका लड़का थाना रामनगर में आकर के उन्होंने मुकदमा अपना दर्ज कराया और उसमें उन्होंने बताया कि 27 की शाम को इनके फादर जो कि टैक्सी चलाते हैं देवभूमि कैब के लिए, उन्होंने 3 दिन की बुकिंग लेकर के वो लोग वहाँ से निकले थे और उसके बाद में फिर उनका उनके फादर से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। फिर जिस नंबर से जिस फ़ोन से वो बुकिंग हुई थी उसके बारे में पता किया गया तो गहन जाँच के बाद में पता चला कि जिस फ़ोन से बुकिंग भी कराई गई वो भी जो है फ़ोन चोरी का था। तो इसमें हम लोग आगे कड़ी से कड़ी जोड़ करके फिर इसमें हमने ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से 3 अभियुक्त पकड़े हैं और जो इनकी गाड़ी होंडा सिटी जो ये लूट करके लेकर के गए थे वो भी बरामद हुई है इसमें, और ये 3 अभियुक्त हैं इसमें तंजील और परमिंदर और अजय।
हरिद्वार में हरकी पौड़ी क्षेत्र में म्यूजिक सिस्टम लगाकर अश्लील गाने पर डांस करने का कुछ लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई युवक हरकी पौड़ी घंटाघर पर गंगा किनारे अश्लील गाने पर तेज आवाज के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और युवकों को फटकार कर वहां से खदेड़ा। देखिए, हरकी पौड़ी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सबको समझना पड़ेगा कि हमें सबकी आस्था का सम्मान करना होगा और इस तरह की जो गतिविधियां हैं जो कि इस तरीके से वहां पे पहुंच करके और उदंडता करना, उच्छृंखलता करना, ये किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वीडियो आई है और हमने चौकी से भी इसका वेरिफिकेशन करा है, जिसमें कि पुलिस के जब कर्मचारी गए तो ये लोग भाग गए। अभी हम CCTV कैमरे को देख रहे हैं इन लोगों का आइडेंटिफाई करके और इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।